हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बैंगन की ऐसी रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और जो सबको पसंद आएगा। जिन्हें बैंगन नहीं पसंद है, आई थिंक उनको भी ये पसंद आएगा, तो आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको बनाने के लिए लिया है बैंगन, एक टमाटर, सरसों, काली मिर्च और लहसुन। और काली मिर्च, सरसों और लहसुन का हम एक पेस्ट बना लेंगे, मसाला तैयार कर लेंगे। एक पैन को गर्म करके तेल डाला है मैंने और उसमें मैं बैंगन को रखूँगी और अभी इसे लाल होने तक भूनेंगे। इसे थोड़ा ढक देंगे, इससे ये पक भी जाएगा और काफ़ी अच्छे से चारों तरफ से हम इसे लाल करेंगे। आप इसे बहुत तेज़ आँच पर ना करें, बहुत लो भी ना करें, मीडियम आँच पर बनाएँ। और ये देखिए बैंगन चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से लाल हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। बहुत ही एक सिंपल सी रेसिपी है जो बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाती है। और अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। तो पैन में तेल गरम किया है मैंने और हम इसमें डाल रहे हैं पचफोरन। पचफोरन बेसिक पांच अलग अलग मसालों का मिश्रण होता है। और अब मैंने बेसिक जो मसाले होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, उनका पानी में मिलाया, उसका पेस्ट बनाया और मैं उसको डालूंगी। हम पैन में डाल दिए जो मसाले हमने सरसों के पीस कर तैयार किए थे, वो मसाले डाले हैं। और इसमें अब हल्दी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था उसको मिक्स किया और हम इसे अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करें अगर आपको ज़रूरत लगे तो। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहे तो एक दो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाले कुछ कटे हुए टमाटर। अगर टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाले से तेल अलग होने लगे, तो समझिए हमारा मसाला भून कर तैयार हो चुका है और टमाटर भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और मसालों को अच्छे से मिक्स करूंगी। पहले मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मसाले को अच्छे से इसमें मिला लिया। उसके बाद थोड़ा और पानी ऐड करूंगी। अब मैंने बैंगन को इसमें डाल देंगे, एक एक करके हाथों से ही डाल रही हूँ मैं इसे, क्योंकि ये बैंगन काफ़ी हद तक ये पक चुका है पहले ही, तो इसे सिर्फ ग्रेवी में थोड़ी देर के लिए पकाना है। अब हम ढक के 3 से 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारा सब्जी तैयार है और बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है इसका, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे। और इस पर मैंने डाला है हरा धनिया, गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसे सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसे रोटी, पराठा या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है सारी चीज़ों के साथ ही, पर चावल के साथ ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक अलग सी रेसिपी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी।